अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज अम्मी के घर में है इफ्तारी का खाना, यानी कि मस्जिद में भेज रहे हैं अम्मी और मेरे तरफ से मिला करके। तो उसके लिए यहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह निकाल रहे थे ऊपर से, और चूल्हे पर बनाने का है। तो चूल्हे पर बनाने के लिए लकड़ी है, और जो सीमेंट की जगह रहती है वहाँ पर मट्टी डालना पड़ता है। थोड़ी सी रेती डाले वहाँ पर, मट्टी डाले, और फिर चूल्हा यहाँ पर सेट किए थे। और फिर जो लकड़ियाँ ऊपर से निकाले थे वो लकड़ियाँ जला मतलब लगा करके इसमें चूल्हे को अंगार लगा के रख देंगे जब तक कि चूल्हा जलता है। तो फिर अंदर में जो दूसरे काम थे वो काम करने के थे हम लोगों को। तो चूल्हा जला के हो गया था, तो अब गंज को पेंदा लगाने का था, यानी कि गंज काला होगा तो जल्दी से निकल जाए करके। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर तेल और निरमा ले ली थी। तेल और निरमा का पेंदा लगाओ ना तो गंज काला पड़ जाता है ना, तो भी जल्दी से निकल जाता है। तो मैं ऊपर से डालते जा रही थी, और जो बाजी थे ना वो उसको गंज को सरकाते जा रहे थे। ऐसा लगाने से कैसा है, जल्दी फास्ट लग जाता है। और भाभी इधर चिकन धो रही थी यहाँ पर। हाँ नहीं, बहुत ही तेज धूप लग रही है, खूब बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत हाँ, और अभी तक किस टाइम चली चली गई कागज को खाए मत रे, बड़ा भेजा है कि नहीं कागज बना देंगे, आप कागज बना दीजिए, वो काम नहीं करने देंगे, और वो ये दो गोला करेंगे। हाँ नहीं, सब बहुत मस्ती करती है अभी तो। इतने धूप में अभी गए हैं वो रोजे में लाने के लिए, इतने धूप है क्या। लस्सी लस्सी के पैकेट भी मंगाने के है ना, और जामली से लाना पड़ेगा। जामली में मिलता है ना यहाँ पर, काम मिलेगा लस्सी का। उठेंगी तो और पागल बनाएंगी, हद से ज्यादा पागल बनाने लग जाएंगी। और एक तो क्या बात, जब मेरे को चाय और दो वाले ब्रेड और चाय खाए कभी चुपचाप बैठी चाय डाली वो तीन बार किचन किचन में आती अनाजा को देखने नहीं ना उठेंगे ना, खुद परेशान कर दिया जा रहा है। सोने दे, नहीं 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 सोने दे उसको, मत सोने दे। तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है, सोने दे उसको। सोती मालूम मेरे तरफ कैसा कैसा सोती। हाँ जबरदस्ती को उठेंगे यहाँ पर, अभी चालू हो जाएगा उसका काम करना। हाँ आग बंद करके, हाँ 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 सो गई। पापा पापा बड़ी शरीफ बच्ची है, सो गई। हाँ ऐसी सोई थी, ऐसी सोई कैसे सोई थी ऐसा। हाँ सोई तो थी वो, नहीं नहीं हाँ सोने दे, सोती बोल रही, सोने दे उसको, रहने दे आसान, रहने दे, सोने दे, सोने देना, सोती बोल देना। तो चूल्हा तो जल चुका था, अब चूल्हे पर नहीं क्या मैंने गंज वगैरह रख दी। गंज रखने के बाद में मैं यहाँ पर बना रही थी 11 पहली, यानी कि 13 किलो के लगभग तहारी थी यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर तेल वगैरह मैंने सब ऐड कर दी थी, पूरे मसाले ला करके रख दी थी ज़ेबा ने और मैंने मिलके। ज़ेबा इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंदर में वो दूसरी चीज़ बना रही थी, इस वजह से फिर ये मैंने बनाई। मदद तो सबने करने लगे, जैसे अम्मी है, वो शायदा बाजी थे, वो ज़ेबा है, अब्बू है, भाई है, भाई लोग जो रहते ऊपर में वो सब है, मतलब सभी ने हेल्प करने लगे चम्मच चलानी, क्योंकि मैं भी रोज़े से थी और सभी रोज़े से थे ना। तो रोज़े में मतलब चूल्हे पे खाना बनाओ तो थोड़ी थकान ज़्यादा ही हो जाती है, तो उस वजह से, क्योंकि गैस पे बोले अब्बू बनाने के लिए बड़ा जो हंडा रहता है उस पे, पर मैं बोली नहीं चूल्हे पर सबसे बेस्ट बनती है बिरयानी हो या तहारी हो, तो फिर चूल्हे पर ही बनाए थे। और ये ज़ेबा नहीं क्या मुझे गरम मसाला बिरयानी का पीस के लाई थी, वो दे रही थी, और एक लकड़ी थी ना वो जल नहीं रही थी, तो अब्बू बोलते ला मैं उसको बराबर फोड़ के देता हूँ करके, अब्बू उसको फोड़ रहे थे। लकड़ी कैसी है, जैसे फोड़ के जलाओ ना तो अच्छे से जलती है लकड़ियाँ,
तो वो बहुत बड़ा फोड़ था, वो जल ही नहीं रहा था, तो उस वजह से फिर अपने फोड़ के दिए। फोड़ के देने के बाद मैंने किया, वो अच्छे से जलने लगा और मैंने यहाँ तेल में बघार में वो ही अपना तेज़पत्ता वगैरह सारी चीज़ें ऐड कर दी बघारने के लिए। और वो मतलब मेरे को बोल रहे थे कि बनाना, तो मैं बोली हाँ मैं बना तो रही हूँ, लेकिन मतलब पकड़ने ये करने आप लोग मदद करने लगो तो सभी ने करने लगे। और सही में तहारी बहुत टेस्टी बनी थी, ऐसा सब लोग बोल रहे थे। और धूप, एक तो रोज़ा, रोज़े में इतनी धूप, और धूप में अंगार, मतलब अंगारों के पास में खड़े होकर के बनाना। हाय, तो भाई तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा था कि कितना टाइम लगेगा और कितना नहीं। हम लोग तकरीबन यहाँ पर 3 बजे बनाने के लिए बैठे थे, तो मतलब इफ्तार के वक्त तक के बन जाने का था, वहाँ पर भी जाने का था, तो मगरिब के पहले ही भी जाना पड़ता है ना इफ्तारी के टाइम के पहले, ताकि वहाँ पर सब इफ्तारी में खा सके करके। तहारी चम्मच चलाते चलाते तो हाथ पूरे दुखने लग गए थे, तो फिर ये भाई थे तो फिर वो बोलते लाओ मैं चला के देता हूँ, बोले चम्मच बोले। तो फिर जो गोभी थी तो मैं गोभी पहले निकाल लेती हूँ, नहीं तो कैसा रहता मसाले में पूरी चूरा हो जाती है ना, इस वजह से वो चम्मच चलाते जा रहे थे, मैं गोभी निकालते जा रही थी इसमें से। तो उन लोगों ने भी बहुत हेल्प करने लगे थे हमारी। घेरा तो होंगे आप मानी को दे तो इतनी भी नहीं हूं। पकड़ के जमता ही ना वो हल रहे है चम्मच। फिर अच्छा ही है, अच्छा है ना शीरा, पानी लगेगा उसमें है ना। अजान अहराम नीचे बैठ जाओ बेटा। तो अभी खाना लेने के लिए जा रही है, थक गए आज पूरी, खाना बना के बैंड बज गई है चूल्हे के ऊपर में, थक गए अम्मी मैं जेबा सभी जन बहुत ज़्यादा, पैर भी दुखने लग गए और मेरे अब्बू तो थक कर के बैठ गए, इससे ज़्यादा काम किए मेरे अब्बू ने इतने थक गए अब्बू ने, आज लकड़ी फोड़े है ना अब्बू, लकड़ी फोड़े और क्या किए उन्होंने, गैस लगा के सिलेंडर लगा के, इसलिए सबसे ज़्यादा थकान यहाँ मस्जिद से खाना ही थोड़ा सा ही बच के आया था, ज़्यादा नहीं बचा था, एक पाव के तकरीबन बचा हुआ था घर से आ गया हैरा। अभी रात हो रही है ना, देखिए चांद भी नज़र आ रहा है आपको। अब हम लोग घर आए हैं, तो मैंने नहीं क्या यहाँ पर ताला खोली और हैरान ने बाहर में कपड़े सूख रहे थे, तो कपड़े उठाए मेरे बेटे ने और ये अम्मी के घर से सामान आया है, तो सामान ताला। फाइनली पहुंच गए हम अपने घर, ताला खोल खुला करके, क्या आ रहे हैं ना, रुकिए ना थोड़ा सा, बहुत थक गए हैं आज ज़्यादा। हाँ ओ करते जा रही है, डिग्गी में से सामान निकालती हूँ मैं, और डिग्गी में बहुत सारा सामान है, अरे सब्जी है, हाँ अम्मी और भाभी सब्जी दिए है, गोश्त खाओ भरी थी हाँ सुबह में, हाँ सुबह जाने के टाइम पे तो भरी थी ना, हाँ भरी थी वो, खिड़की खोल पहले, खिड़की लगी हुई है, खिड़की पट से, क्योंकि मैं सुबह में खिड़की लगा के गई थी ना कूलर, मतलब उधर गई थी तो हाँ
तो ठीक है, अभी मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।